रोमन रेंस को चेयर दिलाने का आइडिया आया सामने और कब तक रहेगा ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WHG। तो गाइस, सबसे पहले बात कर ली जाए ब्रॉक लेसनर के WWE कॉन्ट्रैक्ट से। तो दोस्तों, यहां माना जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट समर स्लैम में खत्म हो जाएगा, यानी कि ब्रॉक लेसनर अगर समर स्लैम में अपना टाइटल ड्रॉप करते हैं तो समझिए उन्होंने WWE को टाटा बाय बाय कह दिया। अब समर स्लैम में उनका ओपोनेंट कौन हो सकता है, इस पर मैंने कल एक वीडियो बनाई थी शाम को, अगर आपने वो नहीं देखी है तो ऊपर आएगा बटन आ रहा है दोस्तों, उस पर क्लिक कीजिए और आप जान जाएंगे कि कौन कौन उनके ओपोनेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है पॉल हेमन से जुड़ी हुई, जो कि उनके एडवोकेट है, जिससे दोस्तों इस खबर को लिंक करके देखा जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं ब्रॉक लेसनर के साथ हमेशा रहते हैं पॉल हेमन, जिनका कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों इस अगस्त के अंत में खत्म हो रहा है और समर स्लैम दोस्तों 19 अगस्त को है, यानी कि अगस्त के अंत में पॉल हेमन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। वहीं दोस्तों 19 अगस्त को ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा और यहां दोस्तों WWE उन्हें फिर से साइन करने के मूड में नहीं है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर पहले भी कह चुके हैं कि वो UFC में जाना चाहते हैं। तो यहां साफ है कि यहां वो अपना टाइटल ड्रॉप करते हैं तो वो सीधा WWE को अलविदा कह देंगे। यहां दोस्तों ब्रॉक लेसनर का जो एड ऑन कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें 2-3 फाइट्स शामिल थी, जहां दोस्तों ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल के अंदर हमें एक फाइट देखने को मिल चुकी है और शायद अब एक ही बची है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं द बिग डॉग रोमन रेंस की, जिनके ऊपर जिम कॉर्नेट ने एक बड़ा आइडिया दिया है। जिम कॉर्नेट जो कि रेसलिंग विशेषज्ञ के साथ साथ WWE लेजेंड भी रह चुके हैं, उन्होंने रोमन रेंस को चीयर दिलाने के लिए एक बेहतरीन आइडिया दिया है। अब ये एक आइडिया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, तो इसे ध्यान से सुनेगा कि जिम कॉर्नेट का कहना क्या है। जिम कॉर्नेट का कहना यह है कि सबसे पहले रोमन रेंस को एक टैग टीम मैच में डाला जाए डेनियल ब्रायन के साथ, जहां रोमन रेंस को एक हील टर्न दिया जाए। अब आप कहेंगे हील टर्न कौन सी नई चीज है, लेकिन दोस्तों यहां नई चीज है हील टर्न। हील टर्न दोस्तों वो वाली नहीं, यहां उन्होंने सजेस्ट की DTA हील टर्न। अब ये DTA क्या चीज है, ये आप में से कई लोग जानते होंगे। DTA यानी डोंट ट्रस्ट एनीवन, यानी कि दोस्तों डोंट ट्रस्ट एनीबडी हील टर्न यहां दी जाए रोमन रेंस को, जहां रोमन रेंस को एक ऐसा कैरेक्टर दिया जाए जो किसी से भी जुड़ा ना हो, ना वो विंस मैकमैन का अपना हो, ना ही किसी रेसलर का पराया। तो दोस्तों यहां एक ऐसा कैरेक्टर तैयार करने की कोशिश की जा रही है जो कि ना फेस होगा ना हील होगा। आप इस कैरेक्टर को रिलेट कर सकते हैं स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के डोंट ट्रस्ट एनीवन फेस के साथ, लेकिन वो फेस था दोस्तों, वो हमेशा हील से फाइट करता था, अथॉरिटी से फाइट करता था। लेकिन यहां रोमन रेंस अथॉरिटी से फाइट नहीं करेंगे, वो हर एक व्यक्ति को पीटेंगे जो कि उनके रोड़े में आएगा। तो दोस्तों पूरा का पूरा आइडिया बेहतरीन आइडिया है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि कैसे डेनियल ब्रायन के साथ उन्हें एक टैग टीम में डाला जा सकता है, जहां वो डेनियल ब्रायन को धोखा दे सकते हैं और उससे अगली रॉ में जब स्टेफनी मैकमैन उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आएगी, वहीं उस स्टेफनी मैकमैन को भी गालियां दे देंगे। तो दोस्तों एक काफी इंटरेस्टिंग एक तरीके का हील और फेस का कॉम्बिनेशन बन सकता है। आपको बता दूं, इससे पहले NJPW में नाइटो भी ऐसा कैरेक्टर उभर कर सामने आया था, जो कि दोस्तों अब ओपोनेंट है Y2J क्रिस जेरिको का। लेकिन यहां दोस्तों ये फ्रेश चीज होगी WWE के अंदर, जो कि रोमन रेंस के लिए सजेस्ट की जा रही है। आप कितना ज्यादा दोस्तों इस चीज को सपोर्ट करते हैं, क्या रोमन रेंस को DTA हील मिलनी चाहिए कि नहीं, अपना अपना कमेंट सेशन में देना मत भूले। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। शब्बा केयर।